सेकंड, आज मैं आप लोगों को हिंदी फर्स्ट पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है बोलती गुफा। एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। वो बहुत थक गया और उसकी भूख भी बढ़ गई थी। अकस्मात उसे एक गुफा नज़र आई। शेर ने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। अच्छा हो मैं उस झाड़ी में छिप जाऊँ, जो ही वो जानवर निकलेगा मैं उसे दबोच लूँगा। शेर ने काफ़ी देर तक गुफा के बाहर इंतज़ार किया, मगर कोई भी जानवर वहाँ से बाहर नहीं आया। तब शेर ने सोचा कि लगता है कि वह जानवर इस वक्त गुफा में न होकर कहीं बाहर गया है, इसलिए उसे गुफा के अंदर जाकर इंतजार करना चाहिए। जैसे ही गुफा के अंदर आएगा वह उसे खा जाएगा। अब मैं आप लोगों को इस कथा को समझाने जा रही हूँ कि एक शेर था जो बहुत भूखा था और वह घूमते घूमते इतना थक गया था और थकने के कारण उसकी भूख भी बढ़ गई थी। अकस्मात मतलब अचानक उसे एक गुफा नज़र आई और शेर ने सोचा कि ज़रूर उसमें कोई गुफा में जानवर रहता होगा और वहीं झाड़ी में छिप गया कि जैसे ही वो निकलेगा मैं उसे खा लूँगा। शेर ने काफ़ी देर तक गुफा के बाहर झाड़ी में इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ से गुफा में से कोई नहीं निकला और वह जानवर नहीं निकला। तब शेर ने सोचा कि चलो गुफा के अंदर ही जा कर के इंतज़ार करते हैं, अगर कोई जानवर रहता होगा तो वो ज़रूर आएगा और तब मैं उसे खा जाऊँगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। थोड़ी देर के बाद वह वापस आया तो उसे गुफा के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे यह निशान किसी बड़े खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए। उसे किसी खतरे का एहसास हुआ। अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि जब शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया तो उस गुफा में एक गीदड़ रहता था जो थोड़ी देर में वापस आया तो उसे गुफा के बाहर उसे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई पड़े और वह समझ गया कि ज़रूर कोई ऐसा जानवर गुफा के अंदर घुसा है जो खतरनाक है। और वह चालाक और सयाना था, इसलिए उसने गुफा के अंदर प्रवेश ही नहीं किया, मतलब अंदर नहीं घुसा। उसने सोचा कि गुफा में जाने से पहले देखे कि मामला क्या है। उसने ज़ोर से गुफा को आवाज़ लगाई, गुफा ओ गुफा, लेकिन जवाब कौन देता। गीदड़ ने फिर आवाज़ लगाई, अरे मेरी गुफा तू जवाब क्यों नहीं देती, आज तुझे क्या हो गया, हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती है, आज क्या हो गया, अगर तूने जवाब न दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। गीदड़ बहुत चालाक था और उसने एक तरकीब निकाली और उसने गुफा से को जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मेरी गुफा तुम मुझे, मैं कहीं से भी वापस जब लौट के आता था तो तुम मेरा स्वागत करती थी, आज क्यों नहीं कर रही हो, अगर तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा कि यह गुफा तो बोलकर गीदड़ का स्वागत करती है, आज मेरे यहाँ होने की वजह से शायद डर गई है, अगर गीदड़ का स्वागत नहीं किया तो वह चला जाएगा। ऐसा विचार कर शेर अपनी भारी आवाज़ में जोर से बोला, आओ आओ मेरे दोस्त तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ वहाँ से भाग गया। तब जो है शेर यह सोच करके कि गीदड़ गुफा डर गया है और मेरे यहाँ रहने के कारण वो बोल नहीं रहा है, इसलिए उसने ही विचार करके ये सोच करके कि गुफा का डर छोड़ो जो भी है सो है, मैं ही बोल देता हूँ, और उसने बड़े तेज से अपनी आवाज़ में बोला कि आओ आओ मेरे दोस्त तुम्हारा स्वागत है। और शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ समझ गया कि अंदर शेर बैठा हुआ और वहाँ से भाग गया। इस कहानी को आप लोग रीड कीजिए, आगे का कार्य मैं अगले टर्न में कराऊंगी और पार्ट 3 याद कीजिए, उसका टेस्ट लूंगी।